बर्नौली प्रिंसिपल। अब देखो बर्नौली प्रिंसिपल है, उसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर रो जी है शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आया ना। फिर इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ लेंगे, लेकिन पहले तो सिर्फ यही पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसकी डेरिवेशन देखते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। सही बात है। इसका मतलब अगर सिर्फ कौन से फोर्सेस वर्क करता है, कंजर्वेटिव वर्क करेंगे, तो सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। हाँ, कॉन्स्टेंट रहती है, मतलब कंजर्व ही रहती है। भाषा में लेकिन इसका मतलब अगर मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है तो कौन वर्क कर रहा होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल लॉजिकल बात है भाई, मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहेगी, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क ना करे। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं तो क्या चीज चेंज कर रही होगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या देगा, वर्क एंड बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या लॉजिक समझ में आ गया पक्का। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कुछ ऐसा मिला हुआ ये है, एरिया ए वन हाइट एच टू, एरिया ए टू वेलोसिटी वी टू वेलोसिटी वी वन प्रेशर पी वन प्रेशर पी टू। याद है किसी को कोई डाउट, ठीक है। ये पानी चल जा रहा है, एक सेकंड के अंदर ये पानी कुछ आगे चला जाएगा, ठीक है। ये प्रेशर इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये F1 फोर्स किसके बराबर आएगा, T1 into A का। ऐसे ही ये जो लिक्विड है यहां से आगे ही गया होगा, इस टाइम पे इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, F2 फोर्स किसके बराबर होगा, T2 into A को। कई बात समझ में आई सबको, आगे की बात समझ में, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस पॉइंट पे ठीक है, इस लिक्विड की डेंसिटी में रो मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए अंदर की कितना डिफरेंस है, V1, ठीक है। तो अगर ये V1 डिस्टेंस है तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A1 V1, ये वॉल्यूम हो जाएगा A1 V1। तो इसका मास कितना हो जाएगा, रो A1 V1 ये मास आ गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाँ ये चीज तो इनके बराबर ही है, आया ना, क्या आएगा, रो A1 V1 इनटू V1 का स्क्वायर, आया ना। बस इनमें ये नहीं, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ रो A1 B1 इंटू जी इंटू H1। कोई प्रॉब्लम इस पे, ओ माय गॉड, MGH ऐसे करते हैं आप, यहाँ है बात, ठीक है बात आ जाए।
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे क्या है, हाँ रो ए टू बी टू बी टू तो मास हो गया बी टू का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, रो ए टू बी टू जी इंटू एच, बहुत बढ़िया। अब एक ही सोचो, जितना लिक्विड इस दर्शन अंदर का है उतना लिक्विड इस दर्शन जिस प्लेस हुआ होगा, क्यों इससे पता चलता है, ये बात इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से आया ना, तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी क्या कहती है, ए वन बी वन शुड बी इक्वल टू ए टू बी टू, क्या आगे समझ में आ गया सब कुछ, अब ये जो लिक्विड यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ तो मैं ये मान लेता हूँ कि बीच में तो लिक्विड फिल्ड ही था, मैं सीधा ये नहीं सोचता जो लिक्विड यहाँ पे था वो यहाँ पहुंच गया डायरेक्ट, बीच की बात भूल जाओ भाई, इसके अंदर जो पानी है ना इस लेवल से लेके इस लेवल तक स्टैटिक मान लो, मैं सिंपल कह रहा हूँ जितने यहाँ पे अंदर गया होगा उतने ही यहाँ से इधर पहुंच गया, तो जो इनिशियली पानी यहाँ पे था वो मैं बोल रहा हूँ फाइनली यहाँ पहुंच गया है ना, तो ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगी, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, इन दोनों का सम, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, कोई प्रॉब्लम इस बार, कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत, कोई प्रॉब्लम, तो सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कितना है, आया ना, अब वो जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आएगा उसके लिए वर्क किसने किया होगा, अरे यहाँ पे जो P1 into A1 है, आया ना, ये जो प्रेशर है, प्रेशर के कारण जो फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव, आया ना, बात समझ में आई, तो इसको तुम ऐसे सोचो यहाँ पे इसने पॉजिटिव वर्क किया है नेगेटिव वर्क किया है, ये लिक्विड का एलिमेंट का फोर्स इधर लगा डिस्प्लेसमेंट सर पॉजिटिव, तो कितना वर्क किया है, पॉजिटिव वर्क, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखिए, क्या आएगा एफ वन इनटू एक सेकंड में कितना डिस्टेंस है बी वन, इधर कैसा वर्क किया नेगेटिव, क्यों फोर्स इधर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो माइनस एफ टू इंटू एफ वन किसके बराबर है, पी टू ए टू इंटू, ये चीज अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू बर्डन बाय नॉन, ये कर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है इनिशियल है, इसी को लिखते हैं एक बार ठीक है और चेक कर दें क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ मैं लिख देता हूँ बर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ई वन ए वन बी वन माइनस बी टू ए टू बी टू आ गया, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है हाफ रो ए टू बी टू इंटू ए टू का स्क्वायर आया ना, प्लस रो ए टू बी टू जी टू एच टू माइनस, फाइनल माइनस इनिशियली होगा चेंज तो कितना जाएगा हाफ रो ए वन बी वन B1 का स्क्वायर माइनस रू ए वन बी वन जी टू एच वन, क्या बात समझ में आई, एक माइनस ही आएगा आया ना, मतलब तुम समझ गए
समझ आए ना पक्का? ठीक है, अब ये तुम्हें बताए ए वन बी वन किसके बराबर है? मेरे को बताओ, ये ए वन बी वन ए टू बी टू से बराबर ही है? ए टू बी टू, ए टू बी टू, ए वन बी वन, ए वन बी वन, सारे के सारे एक दूसरे को खा जाएंगे। हाँ है ना, बात समझ में आई? क्या बचा इधर? पी वन माइनस पी टू, इधर क्या बचा? हाफ रूट बी टू का स्क्वायर, समझ में आई बात? प्लस रू जी एक्स टू माइनस हाफ रू वी वन का स्क्वायर माइनस रू जी एक्स वन। हाँ ना, इस इक्वेशन की थोड़ी सी मसाल करेंगे, इसको इधर और उसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा पी वन प्लस हाफ रू वी वन का स्क्वायर प्लस रू जी एच वन पी टू हाफ रू वी टू का स्क्वायर रू जी एच टू। तो इस एलिमेंट की जो टोटल एनर्जी और इस एलिमेंट की टोटल एनर्जी है मेरे हिसाब से सेम ही आ रही है। तो जब इन दोनों की सेम है तो इन दोनों की भी सेम होगी, इन दोनों की भी सेम होगी, तो किसी भी पॉइंट पे सेम ही रहनी है। आया ना, इसी को तो बनाने के लिए हो गई एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। अगर ऐसे सोचोगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा ये है क्या। ये कुछ पक्का एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? ठीक है, तो एक बार बस उसकी रीडिंग लगा दो, इसको भी ब्लू। होता क्या है, ये बॉल है, मैंने पिछली बार बात बताई थी, अगर हाइट सेम है, मान लो इसके अंदर ये दोनों चीजें सेम है, तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या होगा? इसमें से एयर ऐसे जा रही है ना, जैसे ही बॉल थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश करेगी, ये बॉल यहां से थोड़ी सी नीचे आई, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एयर की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि गन से स्पीड, एयर गन से स्पीड यहाँ पे ज्यादा है एयर की, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? तो इस एरिया में प्रेशर जो है वो है कम, और इस एरिया में प्रेशर वो क्या है? तो प्रेशर इंटू ये वाला एरिया जब तुम करोगे, प्रेशर इंटू ये वाला एरिया करोगे, तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे? ऊपर की बड़ा ग्रेट लगे रहती है, क्योंकि यहाँ पे एयर की स्पीड क्या है? ज्यादा है, तो जैसे ही नीचे आने की कोशिश करती है वैसे ही यहाँ पे एयर की स्पीड ज्यादा होगी, इसके ऊपर यहाँ पे एयर की स्पीड ज्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? तो फिर से इसको लिफ्ट मिल जाएगा, फिर से नीचे आने की कोशिश करेगी फिर से लिफ्ट मिल जाएगा। आया ना, अब रियली भी तुम ऑब्जर्व करना, तुम देखना कि बॉल रुकी नहीं रहती, कुछ कुछ ऐसे डांस कर रही होगी। आया ना, एक बार फिर से देखना, अब रियली लॉजिक समझ में आएगा कैसा हो गया। ऐसे हवा में ऊपर यो, अगर हवा में रुकी हुई है ना, इसका तो अलग लॉजिक है, टर्बुलेंट फ्लो है, ये वाला जो लॉजिक है ना फिर तो गिरी जानी चाहिए, उसके लिए ये बर्नौली रिस्पॉन्स है। पहली स्टेप लाइज कर दी, ज्यादा ही तेज चल रही है। यस सर, दूसरा एक बार एक्सपेरिमेंट।
ये मुझे समझ में नहीं आएगा फिर है क्या? जैसे फैन ऑन करते हैं तो पर्दे ऊपर उठते हैं, जबकि लॉजिकली वो नहीं है, जब फैन है तो हवा तो ऊपर चाहिए लग रही है तो चिपक जाना चाहिए, जबकि उड़ने लग जाता है। रीजन क्या है कि जो आगे ना पर्दों के आगे जो कर्टेन के आगे हवा की स्पीड ज्यादा है, और अगर आगे हवा की स्पीड ज्यादा है तो पीछे हवा की स्पीड कम है, तो कर्टेन के आगे की तरफ प्रेशर क्या हो गया और पीछे क्या हो गया, नेट फोर्स किधर लग गया पर्दे को, पर्दे को क्या लॉजिक समझ में आया? अच्छी तरह सर बीच कर देना सर, मैं ये कह रहा हूँ फैन ऑन किया, फैन ऑन किया तो पर्दों के आगे की तरफ एयर की स्पीड ज्यादा है, और पर्दे के पीछे कौन सा फैन लगा हुआ, कोई फैन नहीं लगा हुआ, तो जब पर्दे के आगे की तरफ फैन लगा हुआ है और स्पीड एयर की ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, स्पीड जहाँ पे एयर की ज्यादा होगी प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जहाँ पे प्रेशर क्या है कम है और पर्दे के पीछे क्या है ज्यादा है तो नेट फोर्स किधर लगेगा, बस पर्दे की तरफ आगे की तरफ आ जाएगा। अभी भी नहीं बस फिर से बताऊं? अच्छा फिर से बताऊं, तो कुल मिला के बात ये है कि तो मेरी बात समझ आ गई। एक चीज और सोचो, जब आंधी चलती है ना तो लोगों के घर के ऊपर जो टीन शेड लगे होते हैं ना वो उड़ जाते हैं, आए ना, नहीं पता? यस सर, कभी कभी। तो ऐसा थोड़ी कि हवा खिड़की के अंदर से अंदर घुस गई और फिर अंदर से फोर्स लगाया और फिर टिन शेड वो उड़ गया, होता है क्या? ऊपर ही एयर की स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जब ऊपर की एयर स्पीड क्या हो गई ज्यादा तो ऊपर प्रेशर क्या हो गया और अंदर प्रेशर क्या है ज्यादा, ये लॉजिक है ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको लिफ्ट चाहिए ना, वहां हमारे पास टेक्निक यही है कि एक तरफ एयर की स्पीड ज्यादा कर दो और एक तरफ एयर की स्पीड क्या कर दो। अब इसका एक और एग्जांपल देते हैं, फ्रिज भी दिख रही है क्या होती है फ्रिज की? यस सर, बच्चे का समझ गए, देखिए ठीक है, ये जो फ्रिज भी होती है ना, फ्रिज भी की जो शेप होती है उसके बारे में बता दो, फ्रिजबी की जो शेप होती है वो कुछ ऐसे होती है, आगे से थोड़ी टेपर्ड होती है, अब जब एयर इसके आती टकराएगी तो एयर तो यूं टकराएगी तो एयर यूं ऊपर जाएगी या इजीली यूं ऊपर से जाएगी, ज्यादा इजीली से जाएगी ऊपर से फिर ऊपर, तो यहाँ पे एयर की स्पीड क्या होगा और यहाँ एयर की स्पीड क्या होगी, प्रणाली के कारण उड़ती उड़ती जाएगी नीचे आएगी नहीं, ये स्पीड कम हो जाएगी तो ये डिफरेंस भी कम हो जाएगा ना धीरे धीरे, एयर रेजिस्टेंस तो है, ड्रैग तो मिल ही रहा है इसको, तो इसकी ये वाली स्पीड कम होती जाएगी ना, जैसे जैसे इसकी ये इधर जाने वाली स्पीड कम होती जाएगी ये प्रेशर डिफरेंस कम होता जाएगा, फिर एम जी इसके ऊपर क्या कर जाएगा, अभी भी एम जी लग रहा होगा पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है प्रेशर डिफरेंस के कारण, उसके बाद में नीचे आया ना, नहीं बस आगे बात पक्का फ्रिज भी का समझ आ गया, तो फ्रिज भी की क्या जरूरत है, जो एक प्लेट आती है ना फ्रिज टाइप की आप उसकी भी फ्रिज बना के खेल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पर उसे क्यों नहीं खेल पाते, उसका वेट ज्यादा है ना एनर्जी, प्रेशर डिफरेंस इतना जनरेट नहीं होता, लेकिन आपने देखा जो फ्रिज भी होती है जो प्लास्टिक की उसका वेट होता कम है और उसकी शेप ज्यादा से ज्यादा ऐसे एरोडायनामिक टाइप की बनाई हुई होती है, यस ठीक है, बहुत बढ़िया। एरोप्लेन जैसे तुम्हें पता कबूतर उड़ता तो पंखों को ऐसे फ्लैप करता है तो क्या करते हैं एयर के ऊपर, ये बिल्कुल वैसा ही है कबूतर के लिए जैसे तुम पानी के अंदर स्विमिंग करते हो, तुम पानी में कैसे स्विमिंग करते हो, पानी के ऊपर हाथ रखा पानी को पीछे किया आप आगे गए ठीक है,
वैसे ही जो बर्ड्स है कबूतर है वो क्या करता है, एयर के ओशन के अंदर स्विम करता है, जिसको हम फ्लाइंग बोलते हैं। हाँ है ना, करता वो भी स्विम ही है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब बात ये है कि जो कबूतर है एरोप्लेन है, कभी देखा कि एरोप्लेन अपने विंग से फ्लैप कर कर भी उड़ता है, नहीं उड़ता है। तो उसने कुछ ना कुछ टेक्निक लगा रखी है उड़ने के लिए, दैट इज बर्निंग। तुमने देखा होगा कि जो उसके विंग्स के जो पीछे वाला हिस्सा ना, वो ये होता है थोड़ा सा। यस सर। देखा कभी? यस सर। तो क्या किया जाता है भैया, इसे लिफ्ट करने के लिए डिफरेंशियल स्पीड ऑफ एयर क्रिएट की जा सकती है। आई बात समझ में? यस सर। तो टेकऑफ लेना होगा ना, तो उसकी शेप ऐसी होगी, जब उसको नीचे उतरना होगा ना, तो उसकी जो शेप होगी ना, वो थोड़ी सी वो यूं है। अब जो एयर टकराई ज्यादा से ज्यादा किधर से जाएगी, बस ये तो पता है। सर टेल से भी होता है, तो प्लेन के भी लिफ्ट होने में या नहीं होने में ये लॉजिक होता है। तो कई सोचेंगे यार ये वल्चर वाली क्या बात है, चील कैसे उड़ती है, चील इंटेलिजेंट है, आया ना। चील उसी प्रिंसिपल को यूज करती है जिस प्रिंसिपल को पैराग्लाइडर यूज करता है। पैराग्लाइडिंग क्या होता है, बस ठीक है, पहाड़ से ऐसे फेंक देते हैं बच्चे को और पैराग्लाइडिंग कर लेता है। चील क्या करती है, अच्छा आज बता दूंगा तो आगे चुप रहा हूँ। चील के बारे में बाद में बात करेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, ठीक है। बस याद दिला देना जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊं कि चील के बारे में बता दें, तो बात समझ में आ गई जब। यस सर। ऐसे एप्लीकेशन समझ में आ रही है, बता दो। देखो एप्लीकेशन, तुमने सुना कि बॉल स्विंग हो रही है क्रिकेट के अंदर, टेबल टेनिस खेला है, चौक लेकिन अगर मान लो ये बॉल ऐसे घूमते हुए जाए तो क्या होगा, जो एयर यहाँ पे टकरा रही हुई ज्यादा से ज्यादा स्पीड कर दी इधर से तक, तो यहाँ पे एयर की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी अगर बॉल ऐसे जाए तो। अगर ज्यादा से ज्यादा स्पीड ही हो जा रही है तो एक्चुअली यहाँ पे स्पीड क्या हो गई है, ज्यादा, तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ प्रेशर क्या हो गया, तो ये क्या करेगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, नीचे आएगी ऊपर प्रेशर ज्यादा है तो एकदम से डिप कर देगी, आया ना। तो टॉप स्पीड में जब तुम यू मारते हो, आया ना, तो वो क्या करती है, आया ना, ऐसे जब मारते हो तो जानी तो चाहिए ज्यादा दूर, लेकिन वो क्या कर देगी, पहले टेबल पे सबका खा देगी, आया ना, ऐसे मारते देखा चॉप यू करते हैं। अब चॉप का बता देता तुम्हें, तो चॉप में अगर तुम यू करोगे तो ये बॉल यू ना घूमते कैसे घूमेगी, ऐसे अब प्रेशर कहाँ ज्यादा आ जाएगा, नीचे प्रेशर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, तो जो बॉल है ना वो धीरे से नेट के ऊपर से निकल जाएगी। हाँ यार क्यों, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ हिट, इसको जाके हिट बाउंस करना था यहाँ से, लेकिन ये क्या करेगी, बाउंस क्या करेगी, थोड़ी सी आ सकती है। हाँ यार अब समझ आगे, टॉप स्पीड ऐसी बॉल को थोड़ी ये वाली रोटेशन फेंक दे, आया ना, थोड़ी सी ये रोटेशन फेंक दे, तो इस साइड में स्पीड का डिफरेंस आएगा, तो जो बॉल सीधी जानी चाहिए थी वो थोड़ी सी यूं जाने लग जाएगी, आया ना, जो यूं जानी चाहिए थी सीधी बॉल वो थोड़ी सी यूं टेढ़ी जाने लग जाएगी, जिसको आप क्या बोलते, बॉल क्या कर दिया, आया ना,
यस सर ठीक है एक एकदम।